हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनईसी इंस्टीट्यूट। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 3। वी हैव स्टडीड अबाउट चैप्टर 1, दैट इज़ मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा, दैट इज़ प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, देयर डिफरेंसेस, देयर सोर्सेस। एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन या यूनिवर्स क्या होती है, इंक्वायरी कैसे करते हैं सेंसस और सैम्पल मेथड के थ्रू, क्या होते हैं ये मेथड, सैम्पलिंग क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, गुड सैम्पल की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, और एरर्स अगर आ जाएँ तो उसके क्या कारण होते हैं, और एरर्स कितनी टाइप्स की होती हैं। तो इस चैप्टर में हम ये सब स्टडी करेंगे। तो हम फर्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन और यूनिवर्स। पॉपुलेशन और यूनिवर्स एक ही बात है, और स्टैटिस्टिक्स में इसका मतलब होता है कि आप अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आपने अपना एरिया या फील्ड क्या चूज़ किया है। तो इट मीन्स द टोटलिटी ऑफ द आइटम अंडर स्टडी, यानी कि जिस जगह पर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो या जिस जिनके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, उन सबका टोटल ग्रुप। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक स्कूल में एक सर्वे कर रहे हो और वहाँ पे आपको पता लगाना है कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के बारे में, उनकी नॉलेज के बारे में, उनके आईक्यूज के बारे में हमें पता करना है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम साइंस में तो नहीं जाएंगे, हम कॉमर्स में जाएंगे। तो कॉमर्स क्या हो गया, कॉमर्स सेक्शन क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया। तो पॉपुलेशन और द यूनिवर्स इन स्टैटिस्टिक्स मीन्स टोटलिटी ऑफ आइटम अंडर स्टडी। इट रेफर्स टू अ ग्रुप टू विच रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी आर इंटेंडिंग टू अप्लाई। इट रिप्रेजेंट्स द एंटायर ग्रुप ऑफ द यूनिट्स विच इज़ द फोकस ऑफ द स्टडी। यानी कि आप जिनका स्टडी कर रहे हैं, जिनकी प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं, उनका ही सॉल्यूशन निकालने के लिए बात कर रहे हैं, तो आप उन्हीं पर्सन्स को स्टडी करोगे, उसको ही पॉपुलेशन बोलेंगे। पॉपुलेशन मीन्स ऑल इंडिविजुअल्स और आइटम्स विच पजेस सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ द सर्वे। यानी कि आपके सर्वे के पर्पज़ के हिसाब से आपका पॉपुलेशन होगा। द फर्स्ट टास्क इन सेलेक्टिंग अ सैम्पल इज़ टू आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन। सैम्पल को भी सिलेक्ट करने से पहले आपको पॉपुलेशन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इट इज़ द एरिया और द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंक्वायरी। देन आपका आता है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इंक्वायरी, कैसे इंक्वायरी करोगे। तो आपके पास दो मेथड हैं, सेंसस और सैम्पल। सेंसस में क्या होता है, सेंसस मेथड में आप 100% इन्यूमरेशन करते हो। यानी कि 100% इन्यूमरेशन का मतलब है कि आपकी पॉपुलेशन को कम्प्लीटली स्टडी करते हो, जितने भी मेंबर हैं। लेकिन सैम्पल में आप क्या करोगे, यू विल चूज़ ओनली अ स्मॉल पार्ट। आप इसमें से केवल एक छोटे से पार्ट को पॉपुलेशन में से निकाल लोगे और उसका स्टडी करोगे। तो दोनों ही मेथड हम डिस्कस करेंगे। आज हम करेंगे सेंसस मेथड। तो सेंसस मेथड के बारे में समझिए, अ सर्वे विच इंक्लूड्स एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि जो आपने स्टडी के लिए पॉपुलेशन या फील्ड एरिया चूज़ किया है, उसको इंक्लूड करता है कम्प्लीटली। इट इज़ नोन एज मेथड ऑफ कम्प्लीट इन्यूमरेशन। सेंसस मेथड को क्या बोल सकते हैं हम, मेथड ऑफ कम्प्लीट इन्यूमरेशन या फिर 100% इन्यूमरेशन। यानी कि ईच एंड एवरी आइटम को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। द एसेंशियल फीचर ऑफ दिस एलिमेंट इज दिस मेथड इज़ दैट इट कवर्स एवरी इंडिविजुअल यूनिट। हर यूनिट को ये इंक्लूड कर रहा है। इफ़ सर्टेन एजेंसीज आर इंटरेस्टेड, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंडिया में टोटल पॉपुलेशन को स्टडी करना है, तो आपको रूरल एरिया, अर्बन एरिया, हर जगह से आपको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा। हमारे इंडिया में जो सेंसस होती है, एवरी 10 ईयर में होती है, 2011 में हुई थी फैब में, तो वो घर घर जाकर होता है, हर घर में जाकर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो ये आपका सेंसस मेथड है, कोई भी घर पॉपुलेशन में नहीं छोड़ा जाता। लेकिन ये सुटेबल कहाँ है, जहाँ पॉपुलेशन का साइज़ कम हो तो आप एक एक आइटम को इंक्लूड कर सकते हो। एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ डाइवर्स, जहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा हो, आइटम्स में होमोजेनिटी नहीं हो, होमोजेनिटी मतलब एक जैसे नहीं हो, अलग अलग नेचर की आइटम्स हो, जहाँ पे आपको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट हो। सिलेक्शन ऑफ सैम्पल आइटम्स फ्रॉम यूनिवर्स इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि आइटम हेट्रोजीनियस है और सैम्पल अगर आप चूज़ करते हो तो वो नहीं हो पाएगा। जहाँ पे आपको रिलायबल डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप ईच एंड एवरी पर्सन से ही पूछ कर पता लगाओगे। देन आपका आता है
इसके मेरिट्स। एक्यूरेट है, रिलायबल है, आप ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी कर रहे हो तो ये एक्यूरेट है, रिलायबल है। लेस चांसेस ऑफ बायसनेस, यानी कि हम इसमें ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी कर रहे हैं, सैम्पल की भी स्टडी नहीं कर रहे हैं तो हम बायस नहीं हो रहे, वरना सैम्पल को चूज़ करते समय जब हम पॉपुलेशन में से सैम्पल निकालेंगे तो वहाँ पे बायसनेस आ जाएगी कि किन को चूज़ किया। जैसे कि मान लीजिए क्लास में से किन्हीं 2 स्टूडेंट्स को चूज़ करना है किसी कॉमर्स क्विज के लिए, तो यहाँ पे टीचर बायस हो जाएगा क्योंकि वो उन्हीं को ही लेगा जो अच्छे होंगे, जो फोकस्ड होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कंप्लीट क्लास को ही अगर क्विज करवाना है तो यहाँ पे बायसनेस नहीं होगी, हर बच्चे को इक्वल चांस मिलेगा। थर्ड, एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ डाइवर्स आइटम्स। सेंसस मेथड में क्या होता है कि आप जो आइटम्स एक्सटेंसिव स्टडी कर सकते हो जो अलग अलग नेचर के होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए सेंसस अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं डेटा तो नंबर ऑफ मेंबर्स के अलावा आप उनके एज, ऑक्यूपेशन, हेल्थ के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, व्हेन आइटम्स इन द पॉपुलेशन आर डाइवर्स एंड द कॉम्प्लेक्स, तो इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी ईच आइटम सेपरेटली। हर एक आइटम को सेपरेटली स्टडी करना ज़रूरी है जब इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स है। फिफ्थ, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशंस ऑन स्टडीज़ लाइक पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ब्रेन ड्रेन, करप्शन, इनके लिए अगर हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा तो हमारे लिए सेंसस मेथड ही बेटर है। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। फर्स्ट, बहुत एक्सपेंसिव है। अब आपको पता चल रहा है कि भाई ईच एंड एवरी आइटम को पॉपुलेशन में आप 100% इन्यूमरेशन कर रहे हो, तो 100% इन्यूमरेशन करोगे तो इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव टू गो ईच एंड एवरी हाउस एंड टू गो ईच एंड एवरी पर्सन फॉर द स्टडी। लार्ज मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब जब भी सेंसस होता है इंडिया में तो पूरे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स और बहुत सारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ इस काम में लग जाते हैं, तो इट रिक्वायर्स वेल ट्रेंड इन्यूमरेटर्स। थर्ड, इट इज़ अनसुटेबल फॉर द लार्ज केस स्टडीज़। अगर आपका फील्ड एरिया बहुत ज़्यादा हुआ तो आप नहीं कवर कर पाएंगे। नॉट यूनिवर्सली ऑपरेटिव सेंसस मेथड कैन नॉट बी अडॉप्टेड इफ द पॉपुलेशन इज़ इनफाइनाइट, और वो भी जब चेंज होती रहती हो। ठीक है, अब सेंसस ऑफ इंडिया, आप सोच रहे होंगे कि सेंसस ऑफ इंडिया में भी तो मतलब ईच एंड एवरी फैमिली को रिकवर किया जाता है। हाँ, किया जाता है, लेकिन वो 10 years में एक बार होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड सेंसस मेथड। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल टिल नाउ, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट, लाइक इट। ओके, थैंक यू सो मच।